मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल। जैसा कि बच्चों, मैंने आपको क्लास वन की जो साइंस की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था प्लांट्स लाइफ, उसके बारे में मैंने बताया था कि प्लांट्स क्या होता है, हर्ब्स हर्ब्स क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीव्स क्या होता है, यानी प्लांट्स के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ मैंने दी थी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका जो सेकेंड चैप्टर है साइंस की बुक की, फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी फूड मतलब भोजन, प्लांट्स मतलब पौधा, यानी जो प्लांट्स जो है, ठीक है ना। तो प्लांट्स से क्या क्या फूड मिलता है, ठीक है ना, प्लांट्स हमको क्या बेनिफिट है, किस तरह के फूड्स हमको प्लांट्स से मिलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों यहाँ पे लिखा है, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स डैट कैन मेक दियर ओन फूड। प्लांट्स एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना फूड क्या करता है, सेल्फ स्वयं से बनाता है, या उसका स्वयं का अपना भोजन होता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, मतलब मानव जो होते हैं, या एनिमल्स होते हैं, या बर्ड्स जो होते हैं, या अदर जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के फूड पे डिपेंड होते हैं। कह रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जी, मोस्ट ऑफ द फूड्स आइटम डेट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स, सम प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स, सम प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल। बहुत से ऐसे फूड्स आइटम्स हैं जो प्लांट्स हमको मिलते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं। जैसे प्लांट से हमको फल मिलता है, प्लांट से हमको वेजिटेबल मिलता है। फ्लैसी एंड जूसी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट। जो फ्लैसी और जूसी जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट्स आर ईटन रॉ, ठीक है ना। फ्रूट्स क्या होते हैं, जिसको हम खाते हैं, वो कच्चे पदार्थ होते हैं, यानी कच्चे मटेरियल होते हैं। जैसे एप्पल हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, ये सब बच्चों क्या है, फ्रूट्स हैं। उसके बाद से बच्चों जो आपका है कि वेजिटेबल्स आर यूज इन सेवरल डिशेस, वी इजीली कुक वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स कैन ईटन रॉ सच एज कैरेट, ऑनियन इटीसी। बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स जो हमें बहुत सारे डिशेस में हम उसका उपयोग करते हैं, उन्हें बनाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, ऑनियन हो गया, ये सब क्या है, वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद से पल्सेस एंड सेलेक्स, यानी जो तेलन और दलहन जो भी हम खाते हैं, ठीक है ना, जो भी अपने फ्रूट वेजिटेबल्स में प्रयोग करते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स गिव्स अस पल्सेस एंड सेलेक्स, ऑल दाल किडनी बीन्स एंड ग्राम आर पल्सेस, जितनी भी दाल्स हैं, किडनी बीन्स हैं, ग्राम है, पल्स, ये सब क्या है, पल्सेस हैं। पल्सेस आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स, वी कुक पल्सेस बिफोर ईटिंग। पल्सेस क्या है, प्लांट्स के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाकर इसको खाते हैं। दे कॉन्टेन प्रोटीन, दे हेल्प अस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। क्या करते हैं, प्रोटीन इनमें होता है जो कोई हमारे शरीर के लिए क्या होता है, ग्रो करता है, खाने पर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी को ग्रो डेवलपमेंट करता है। वेट राइस एंड कॉर्न आर सोम सेलेक्स सीड्स ऑफ सोम प्लांट्स आर सेलेक्स, जैसे वेट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब क्या है, सेरलेक्स हैं, ठीक है ना। सेरलेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स, और सेरलेक्स को क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। दे गिव्स अस एनर्जी, और हम फूड ग्रेन्स जो होते हैं या सेरलेक्स जो होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, शरीर को एनर्जी मिलता है। ये क्या करते हैं, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉफ़ी, टी एंड शुगर, कॉफ़ी, टी एंड शुगर आर ऑल्सो केम फ्रॉम प्लांट। जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं, टी पीते हैं, शुगर खाते हैं, या शुगर का यूज टी एंड कॉफ़ी में किया जाता है, ये किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। कॉफ़ी सीड्स आर क्रश टू गेट कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी सीड्स को क्या कहते हैं, क्रश किया था, उसे क्या बनाया जाता है, कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। ड्राई लिप्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज टू मेक टी, और ड्राई लिप्स जो होता है उसे क्या बनता है, चाय पत्ती बनाते हैं, टी बनाते हैं हम लोग। शुगर इज मेड फ्रॉम जूस ऑफ द शुगर कैन स्टेम, और जो हम लोग चीनी खाते हैं किससे बनता है, शुगर कैन, गन्ने से बनता है, इंक से बनता है। वो स्पाइसेस यानी मसाला जो कि हम अपने खाने में, सब्जियों में प्रयोग करते हैं स्पाइसी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। सो वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, दे ऐड टेस्ट, कलर एंड एरोमा टू आवर फूड। सम कॉमन स्पाइसेस आर क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड्स, कार्डमम एंड टर्मेरिक। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे स्पाइसेस का नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे क्यूमिन सीड हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, कार्डमम सीड हो गया, टर्मेरिक सीड, ये सब क्या है, मसाले हैं। जैसे हल्दी हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सब क्या है, मसाले हैं, जिसका प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। उसके बाद से जो बच्चों है कि वी ऑयल जो है, जैसे वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स, वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट आर सम ऑफ द, जैसे कि मतलब सरसों हुआ, सनफ्लावर हुआ, इन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स से हमको क्या मिलता है, तेल मिलता है, ऑयल्स मिलता है, ठीक है बच्चों।
जैसा कि बच्चों आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड्स एंड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड्स जो सीड्स होता है उसे क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। सनफ्लावर सीड से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। बनता ग्राउंड नट सीड से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है टोटली ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंड है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, वो टोटल किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है, प्लांट्स के फूड पर डिपेंड है। उसके बाद से जो ऑयल्स होता है, स्पाइसेस होता है, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, चाय, कॉफ़ी, ये सारे मटेरियल्स जो है हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। यानी लिविंग बींग्स जो भी है वो टोटली जो इसकी एनर्जी जो है वो प्लांट्स के फूड पे डिपेंड करती है। यानी जब तक हमको भोजन प्लांट से नहीं मिलता है तब तक क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स या किसी भी लिविंग थिंग्स का रहना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, पृथ्वी पर संभव नहीं होगा। इसलिए क्या है, प्लांट्स हमारे लिए सबसे उपयोगी हैं, ताकि हमें उनसे क्या मिले, भोजन। प्लांट्स तो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई चैप्टर टू में प्लांट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में, आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, उसे याद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स का उपयोग आप अपने एनवायरनमेंट में लगाएं, उसको करें, ताकि आपका एनवायरनमेंट कैसा हो, हरा भरा हो, ठीक है ना, पॉल्यूशन फ्री हो। एक दो पेड़ तो कम से कम एक साल में बच्चों आप लगा ही सकते हैं अपने आसपास में। दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो प्लांट्स लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को क्या करें, साफ़ सुथरा, पॉल्यूशन फ्री बनाएं। थैंक्स।